गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज फोर। एक्सरसाइज फोर करेंगे आज हम। एक्सरसाइज फोर में हमें क्वेश्चन में पाई ग्राफ दिया होगा, उस पाई ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके आंसर्स देने हैं हमें। यहाँ पे देखिए, डाटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग ए सर्कल। अगर डाटा को सर्कल को डिवाइड करके रिप्रेजेंट किया जाता है इनटू सेक्टर्स, यानी सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड ए पाई ग्राफ। तो उस रिप्रेजेंटेशन को पाई ग्राफ कहा जाता है। हम सर्कल में सेक्टर्स डिवाइड करके किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको पाई ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे देखिए, साइड में ये पाई ग्राफ बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सर्कल में सेक्टर बनाकर। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हेडिंग, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ वोटेड फॉर देयर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स। यहाँ पे क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वोटेड किया है, मत दिया है अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर के लिए। द डाटा हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड एज ए पाई ग्राफ। जो डाटा है उसे रिप्रेजेंट किया गया है पाई ग्राफ के रूप में, नीचे दिया हुआ है आपको ये पाई ग्राफ। स्टडी द पाई ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको इस पाई ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स देने हैं। तो ये जो एक्सरसाइज हैं आपको वो मैथ्स की बुक में ही करनी है, मैथ्स के रजिस्टर में नहीं करनी है, और उसके आंसर्स आपको सामने सामने लिखने हैं। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप जस्ट उसके सामने लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आइसक्रीम फ्लेवर इज़ मोस्ट पॉपुलर। कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेक्टर्स डिवाइड हैं, यहाँ उस सेक्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉकलेट ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर है, तो हम यहाँ पर चॉकलेट लिखेंगे क्योंकि चॉकलेट ने सर्कल के हाफ पार्ट को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है, विच आइसक्रीम फ्लेवर इज लीस्ट पॉपुलर। मोस्ट मीन्स होता है सबसे अधिक, लीस्ट मीन्स होता है सबसे कम। तो कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर है जो सबसे कम पॉपुलर है, चेक करते हैं। तो देखिए, बस इतना ही पार्ट है स्ट्रॉबेरी का, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिखेंगे। नेक्स्ट है, विच फ्लेवर इज़ मोर पॉपुलर, वेनिला और मैंगो। तो इसमें बताना है कि वेनिला और मैंगो में से कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए, वेनिला का 1/4 पार्ट है, लेकिन मैंगो का 1/4 नहीं है, उसका 1/4 से कम है। तो यहाँ पे जो पॉपुलर है वो वेनिला फ्लेवर है। नेक्स्ट है, अरेंज द फ्लेवर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलैरिटी। यहाँ पे हमारे पास जो फ्लेवर्स दिए हुए हैं उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उनकी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे कम पॉपुलर फ्लेवर को लिखेंगे हम पहले। तो सबसे कम है स्ट्रॉबेरी, तो हम स्ट्रॉबेरी लिखेंगे पहले यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी। सेकंड है मैंगो, थर्ड वेनिला एंड फोर्थ एंड लास्ट इज चॉकलेट। इस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है तो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे उसके लिए भी आपको पाई ग्राफ दिया हुआ है, उसकी हेल्प से यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर्स आपको जस्ट सामने इनके लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फाइव में आपको लाइन ग्राफ दिया होगा और यहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको लाइन ग्राफ की हेल्प से उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। यहाँ पे देखिए, अनुज प्लांटेड ए प्लांट इन हिज गार्डन। अनुज ने अपने गार्डन में प्लांट को प्लांटेड किया, यानी कि पौधों को उगाया। ही कैप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ इट्स ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ द लाइन ग्राफ। और लाइन ग्राफ की हेल्प से उसने ग्रोथ, यानी कि उनकी वो कितने बढ़े,
कि फर्स्ट डे वो कितने थे, सेकंड डे कितने थे, उस रिकॉर्ड को रखा। ऑब्जर्व द चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे चार्ट को आपको ध्यान से देखना है जो आपको साइड में ये चार्ट दिया हुआ है, और आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेज लिखा हुआ है और यहाँ पे लेंथ दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है कि फर्स्ट डे में जो प्लांट था वो 2 सेंटीमीटर था, थर्ड डे में 4 सेंटीमीटर हो गया, सेवन्थ डे में वो बढ़कर 8 सेंटीमीटर हो गया, और 9th डे में वो बढ़कर 8.5 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 और 10 के ये बीच में है ना, तो 8.5 माना गया है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑन थर्ड डे। थर्ड डे प्लांट की लेंथ कितनी थी, तो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए, थर्ड डे पर जो प्लांट की लेंथ थी वो 4 सेंटीमीटर थी, तो हम उस क्वेश्चन सामने हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच हैज़ द प्लांट ग्रोन फ्रॉम थर्ड डे टू सेवन्थ डे। प्लांट ने तीसरे दिन से लेके सेवन्थ डे तक कितना ग्रोन किया, यानी कितना वो बढ़ा, हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पे थर्ड डे पे वो 4 सेंटीमीटर था, लेकिन सेवन्थ डे पर वो 8 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले 4 था, फिर 8 सेंटीमीटर हो गया, तो 4 सेंटीमीटर बढ़ा वो, तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑन 9th डे। 9th डे पर प्लांट की क्या लेंथ थी, क्या लंबाई थी, तो 8.5 सेंटीमीटर। इस एक्सरसाइज को भी आपको मैथ्स की कॉपी में नहीं करना है, आपको मैथ्स की बुक में करना है इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 4 के 2 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, एक आपको करना है। वो एक्सरसाइज 4 भी मैथ्स की बुक में होगी और एक्सरसाइज 5 भी मैथ्स की बुक में होगी।